लेट्स एज्यूम कि आपने ना 12th पास कर ली और किसी बहुत ही प्यारे और भोले अंकल ने यार आपसे ये कह दिया कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले, काफी ज्यादा स्कोप। एंड फिर क्या यार, पेरेंट्स के प्रेशर में आके एंड अपने ड्रीम्स को छोड़ छाड़ के आपने बहुत मेहनत से वो इंजीनियरिंग कोर्स भी कंप्लीट कर ली। एंड फिर इवेंचुअली 10 साल बाद आपने वो जॉब पर घिसा घिसा के आपने एक बहुत ही अच्छी पोजिशन पे आ गए जहाँ पे लेट्स एज्यूम आपकी इनकम 3 लाख रुपीज पर मंथ। आपको तभी लग रहा होगा यार हार्डवर्क डस पे ऑफ, बट आपको अगर मैं यही बात बोलूं कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक लो प्रोफाइल जॉब को भी 3 लाख रुपए महीने के, अब आपको कैसा लग रहा है? I don't feel so good. तो फोन उठाओ और वो प्यारे से अंकल को फोन करके यार ये कहो, सो जेनीवा जो कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल है एंड ये टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड यहाँ का मिनिमम वेज ही 3 लाख रुपीज़ है एंड यहाँ का मिनिमम वेज ही 3 लाख रुपीज़ है 3 लाख रुपीज़ है। नो गॉड प्लीज नो 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 नो। इवन अगर आप एक वेटर की जॉब कर रहे हो, स्विट्जरलैंड में स्कोप अच्छा है और ये हाईएस्ट मिनिमम पेड वेज है इन दी एंटायर वर्ल्ड, बट जेनिवा के गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया और मोदी जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। एंड अगर आपने अभी तक बिहाइंड द बिलियंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स बिहाइंड माय ड्रीम सिटी। जेनिवा इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड एंड यार ये सिटी है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसी खूबसूरती की वजह से यार इनके इधर ना करोड़ों टूरिस्ट आते हैं एंड जिन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा शौक है, उनके लिए प्लेस तो यार हेवन जैसी। सो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज्म से आते हैं, बट रिसेंटली ही जेनिवा की गवर्नमेंट ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जो पूरे वर्ल्ड में फैल गई, द हाईएस्ट मिनिमम वेज। रुको जरा, सबर करो। उन्होंने इस अनाउंसमेंट में ये बोला है कि उनके जो मिनिमम वेजेस है वो होंगे $25 पर आवर। तो अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ वो भी पर मंथ, इट विल बी अराउंड 3 लाख रुपीस। मम्मी डिग्री जला दो और पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा बता दो मुझे। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। एंड इनफैक्ट आपको ये जान के बहुत बड़ा शॉक लगेगा कि यार इंडिया का मिनिमम वेजेस क्या, एंड वो है 178 रुपीस ओनली। गलत देश में पैदा हो गया पैसा बर्बाद पहन। एंड जेनिवा में मोर देन 58% लोगों ने इस पॉलिसी को वोट दिया बिकॉज ऑफ कॉस्ट, बट मैं इस चीज से शॉक हूँ कि बाकी के 42% लोग क्या सोच रहे थे। एंड ये पॉलिसी इसलिए निकाली गई थी बिकॉज जैसा कि हमने कहा कि जेनिवा ना टूरिज्म में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड वो उनका ना मेन सोर्स है इनकम का, एंड कोरोना वायरस के वजह से टूरिज्म एकदम से बंद पड़ गया था। सो टू सेव देयर पुअर पीपल, जेनिवा ने एक मिनिमम पॉवर्टी लाइन खींच दी जिससे किसी को भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ हमारे PM फंड का कोई अता पता ही नहीं है। एंड यार आप लोग तो सोच रहे होंगे कि वहाँ के लोग तो एकदम से अमीर हो गए, बट यार इस पॉलिसी में छोटा सा कैच है बिकॉज जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सो जैसा कि हमने कहा कि जेनिवा ना टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड उसी के वजह से ना ये top 10 एक्सपेंसिव सिटीज़ में आता है। इसका मतलब जितना आप हाई अमाउंट में इनकम कमाते हो ना वैसे आपका हाई एक्सपेंडिचर भी होता है। सो वहाँ पर आपको एक बेसिक हेयर कट करने के भी 2500 रुपये लग जाएंगे। यार मेरे बाल काटने के लिए तो पूरा 3 लाख रुपये ले लेगा फिर। यार मेरा छोड़ो, बेचारे अनिल कपूर का क्या होगा। तो जैसा कहते हैं ना एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, वैसे जेनिवा पॉलिसी के भी 2 साइड्स है। सो यार आपको क्या लगता है इस जेनिवा के डिसीजन से लेके, हमको यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार आपकी डिग्री उठाओ एंड उसको फेंक के मारो ताकि यार सब्सक्राइब बटन तो क्लिक ही हो जाए, बिकॉज अब तो वो शायद से किसी काम का नहीं है इस वीडियो के। एंड अगर आपको हमारे बारे में और जानना है तो हमारे यार इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, हम स्टार्टअप से रिलेटेड इसके बारे में बहुत बातें करते हैं। एंड आप हमको रिजल्ट पे भी फॉलो कर सकते हो, हम बहुत एक्टिव हो सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप बिल्डिंग।